तो हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई आज मैं आया हूँ भाई पशुपतिनाथ मंदिर, और भाई आज हम एक्सप्लोर करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि भाई नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और भाई बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर है भगवान शिव का। और भाई आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और इसके बारे में भाई मैं तुम्हें फुल डिटेल दूंगा और सारी जानकारियां दूंगा कि भाई मंदिर कैसा है और क्या क्या है इस मंदिर में, और इसके आसपास के एरिया को भी भाई हम एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलके। तो भाई बने रहो वीडियो में और वीडियो को लाइक कर देना भाई। तो गाइज, सबसे पहले भाई मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरी दुनिया में भाई दो ही पशुपतिनाथ मंदिर फेमस है, एक तो भाई नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भाई अपने भारत के मंदसौर का। और भाई दोनों में सेम ही साइज की मूर्ति है भगवान शिव की, और भाई दोनों ही जगह भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, लोग देश विदेश से दर्शन के लिए आते रहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। और भाई ये नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है, जो कि भाई इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, और इसके भाई दर्शन बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही चमत्कारी दर्शन है। इसके भाई दर्शन करने से ही लोगों के कष्ट और दुख सारे दूर हो जाते हैं। तो गाइज ये देखो भाई मंदिर के आसपास का एरिया कितना साफ सुथरा और कितना शानदार है, और यहाँ पे भाई लकड़ी का वर्क है इधर भी बहुत ज़्यादा। इधर के भाई जो ये पिलर हैं लकड़ी के बनाए गए हैं, इधर कॉरिडोर सा बनाया हुआ है लोगों के रुकने के लिए, लोगों के रेस्ट करने के लिए, लोग इधर बैठ के रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। और सामने भाई हम चल रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई पशुपतिनाथ मंदिर के एंट्रेंस में, और भाई यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं आप देख सकते हैं, जो कि भाई नेपाल के लोग ज़्यादा भाई इधर दर्शन के लिए, भाई नेपाल के लोग भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो भाई ज़्यादातर आपको इधर नेपाल के लोग दिखेंगे, और बाहर देश विदेश से भी लोग आते रहते हैं। कुछ लोग भाई इधर फोटोशूट वीडियो शूट के लिए आते रहते हैं, और कुछ लोग भाई असल में दर्शन के लिए आते हैं अपने, और दुख और कष्टों को लेके आते हैं, जिनका भाई भगवान शिव निवारण कर देते हैं भाई, जिनका भाई दुख और कष्ट दूर कर देते हैं उनके दर्शन करने के बाद। और सामने आप देख सकते हैं भाई ये है माता पार्वती का मंदिर, और ये भाई मंदिर भी देखो एकदम जैसे नेपाल के मंदिर होते हैं ना, नेपाली स्टाइल में नेपाली थीम में है ये मंदिर। और इसके ऊपर भी भाई बहुत सारी मूर्तियां हैं लकड़ी की, जो कि भाई लकड़ी से बनाई गई है ऊपर, और ये चौखट भी पूरी लकड़ी की है। और सामने भाई माता पार्वती का मंदिर है, आप देख सकते हैं भाई सामने, इसकी भी थोड़ी थोड़ी आकृति भाई शिवलिंग की तरह है। और वहाँ सामने की तरफ देखो भाई कितने सारे मंदिर है भाई लाइन से, बहुत ज़्यादा मंदिर है लाइन से, और भाई उधर लोगों की भीड़ लगी पड़ी है मंदिरों के पास, मंदिर के पास बैठे हैं लोग। तो गाइज ये है भाई सामने बागमती नदी, और भाई इस नदी के किनारे ही है शमशान घाट, जहाँ भाई लोगों की चिताएं जलती हैं, जहाँ भाई लोगों को दाग दिया जाता है जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनका भाई इधर अंतिम संस्कार किया जाता है। सामने की तरफ भाई आप देख सकते हैं इस नदी के किनारे ही शमशान घाट है, और भाई ये नदी भी बहुत पवित्र है, इसी के किनारे ये शमशान घाट है, इधर भाई लोगों को मुक्ति मिल जाती है इधर जिसको भी जलाया जाता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए, और भाई मंदिर में जूते बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो भाई जूते आपको निकाल के जाना पड़ेगा। तो भाई मैं भी अभी जूते निकालने जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक लॉकर होता है जहाँ पे भाई आपके जूते वूते जमा हो जाते हैं, जो आपको दोबारा मिल जाएंगे, आपको एक टोकन दे देंगे उसके बदले, और आप जब आप दर्शन कर ले तो भाई अपने जूते दोबारा इधर से ले सकते हैं। सामने की तरफ भाई लोगों की भीड़ लगी है इधर अपने जूते जमा करने के लिए। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई जो पशुपतिनाथ मंदिर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, जहाँ से भाई एंट्री होती है, यहाँ से भाई लोगों की एंट्री होती है, इधर से भाई मंदिर की तरफ जाया जाता है, और काफ़ी सुंदर है भाई इधर का नज़ारा। इधर पार्क भी बनाया है लोगों के बैठने के लिए, लोगों के आराम करने के लिए। और भाई सामने ये शिवलिंग है सामने की तरफ भी, जिसके भाई हम दर्शन कर लेंगे अभी। और यहाँ की तरफ भी भाई शिवलिंग है। मंदिर में जाने से पहले ही भाई यहाँ पे भगवान शिव के बहुत सारे शिवलिंग है। और भाई अभी हम चल रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए, और मंदिर में दिखाऊंगा भाई तुम्हें, लेकिन भाई मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ है नहीं, उसका जो आसपास का एरिया है मंदिर कैसा दिखता है कैसा नहीं वो भाई मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कैमरे से, लेकिन भाई मंदिर का जो गर्भगृह है ना उसमें भाई कैमरा लेके नहीं जा सकते, उधर ही कैमरा ऑफ करना पड़ेगा और कैमरा रखना पड़ेगा। तो गाइज ये देखो भाई यहाँ का एरिया कितना शानदार है और कितना खूबसूरत लग रहा है, और सामने की तरफ देखो भाई कितने ज़्यादा कबूतर हैं इधर, भाई बहुत सारे कबूतरों को इधर दाना पानी खिलाया जाता है, बहुत सारे कबूतर इधर रहते हैं मंदिर के आसपास, इधर तारों पे भी बैठे हैं, इधर जो कॉरिडोर है उसकी छत पे भी बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो गाइज
मंदिर में जाने से पहले भाई मैं तुम्हें मंदिर के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज दे दूं। तो भाई ये जो मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे भाई भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है और भाई मूर्ति के हर मुख के हाथ में रुद्राक्ष की माला है। और भाई सामने की तरफ से एंट्रेंस है इस मंदिर की, इधर से भाई लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और भाई बिल्कुल ये पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर। और भाई आप जो ये आसपास का एरिया देख रहे हैं ना भाई, अप्रैल में 2015 में इधर भाई बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। ये जितना भी भाई आप आसपास का एरिया देख रहे हैं ना, सब भाई ख़त्म हो गया था, सब नष्ट हो गया था, सब तहस नहस हो गया था। लेकिन भाई जो मंदिर का गर्भगृह है, जो भाई मंदिर है, उसको भाई कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा, थोड़ा सा भी बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँची भाई उस मंदिर को। और भाई इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, इसी वजह से भाई उस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे साक्षात शिव जी प्रकट है, भगवान शिव इधर ही प्रकट है इस मंदिर में। तो गाइज मैंने भाई मंदिर के दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छे दर्शन कर लिए। और भाई तुम्हें भी थोड़ा सा दिखाया मैंने पशुपतिनाथ अंदर से, जो कि भाई अंदर बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं है, इससे ज़्यादा भाई कैमरा अलाउ नहीं होता मंदिर में, और वीडियो फोटो वोटो कुछ नहीं बनाने दिया जाता। और भाई मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ और सामने से देखो भाई, ये है पशुपतिनाथ मंदिर और सामने भाई नंदी महाराज की इधर सोने की मूर्ति। और भाई ये जो मंदिर है ना, पूरा का पूरा सोने का है और इसकी दीवारें भाई चांदी की हैं। और भाई इसमें 5 मुख वाली भगवान शिव की मूर्ति है। इसमें भाई 4 दरवाजे हैं, जो कि भाई चारों मेन दरवाजे हैं, जहाँ भाई भगवान शिव की जो 5 मुख वाली मूर्ति है उनमें से एक एक मुख भाई चारों दिशाओं में है और एक मुख भगवान शिव का ऊपर की ओर है। और भाई सामने आप देख सकते हो पूरा का पूरा सोने का है और सोने का त्रिशूल है इसकी छत के ऊपर और उसमें डमरू है। तो गाइज इस मंदिर की मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूँ, इस मंदिर की टाइमिंग है भाई सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, इसकी पूजा पाठ सुबह 4 बजे से चालू हो जाती है। जो मंदिर के जो पट होते हैं, जो द्वार होते हैं, 4 बजे खुल जाते हैं दर्शन के लिए लोगों के। और भाई रात के 9 बजे तक खुला रहता है और भाई पूरे दिन में बस एक बार ही बंद होता है 5 बजे। और भाई 5 बजे के बाद फिर दोबारा से खुलते हैं उनके जो पट है, जो गेट है दर्शन के लिए। तो गाइज हिंदू धर्म में भाई जो 4 धाम की यात्रा करते हैं, उनमें से भाई एक धाम यहाँ पे है काठमांडू में, जो कि भाई पशुपतिनाथ मंदिर है। कहाँ से आए हैं आप सर? शिरडी से। शिरडी से? महाराष्ट्र, शिरडी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा, कब आए थे आप इधर दर्शन के लिए? दोपहर कितने बजे? सुबह 4 बजे आए। अच्छा, 4 बजे से आप दर्शन के लिए इधर ही हैं? दर्शन ही। और दर्शन किए अच्छे से? दर्शन हो गया पूरे। अच्छा, पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ, हमारे एक ग्रुप है। अच्छा, 100 आदमी है हम सब। 100 आदमी का ग्रुप है आपका? 100 आदमी का। अच्छा, सारे दर्शन के लिए। और गाइस ये देखो भाई मंदिर के आसपास का एरिया कितना खूबसूरत एरिया है। लेकिन भाई ये जो जितनी भी जगह है ना भाई, दोबारा से बनाई गई है, क्योंकि भाई भूकंप आया था इधर 2015 में, जो कि भाई सब कुछ इधर तहस नहस हो गया था, सब इधर टूट फूट हो गई थी भाई, सब मतलब विनाश हो गया था भाई एक तरीके से सारी चीज़ों का। दूर दूर तक भाई जितने भी इधर घर है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, सब टूट गई थी। लेकिन भाई एक जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है ना, वही बचा था भाई, और उसका गर्भगृह है। मतलब भाई मंदिर को तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी इधर कोई थोड़ी बहुत भी हानि नहीं पहुंची, थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भाई जितना भी आसपास का एरिया ना, सभी भाई टूट फूट हो गई थी इधर, सभी टूट चुका था भाई इधर का सारा एरिया, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था इधर भाई, आसपास सब टूट गया था। लेकिन भाई जो मंदिर है वही बचा था इधर, और मंदिर का भाई कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भाई मंदिर में साक्षात शिव जी प्रकट है, भगवान भोलेनाथ प्रकट है। तो भाई मंदिर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे भूकंप आए या पल्ले आए, कुछ आए, मंदिर भाई अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ठीक है गाइस, मंदिर एक्सप्लोर करते करते भाई रात हो चुकी है, मिलते हैं भाई कल मजेदार सी वीडियो लेके। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो भाई जय श्री राम।